दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिश फार्मिंग पर। आशा करते हैं मछलियां ग्रोथ हो रही होगी। ठंडी का सीजन लगभग समाप्त तो हो ही चुका है। सारे लोग अपने तालाब में नए साल का सीड डालने के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है सीड के विषय में, तो हम कहना चाहेंगे कि जो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके किसी भी बच्चे का सीड की अगर आवश्यकता हो आप व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, आपको भेजने का व्यवस्था किया जाएगा। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं आपके समक्ष। चूंकि गर्मी का सीजन आ गया है, मछलियों का ग्रोथ बहुत तेजी से अब होगा। फिर बरसात के दिनों में जैसा कि आप जानते हैं ग्रोथ कमने लगता है, फिर ठंडी में और ग्रोथ कम जाता है। तो आपको अपने मछलियों को भोजन देना आरंभ कर देना चाहिए। जो लोग भी भोजन नहीं दे रहे थे अभी तक, ठंडी में ऐसे भी मछलियाँ भोजन नहीं करती हैं, तो आपको भोजन देना आरंभ कर देना चाहिए अब। तो किस तरह से आप भोजन बनाएंगे अपने फार्म पर, अपने तालाब पर या अपने घर पर, उसी के विषय में हम जानकारी देते हैं। सबसे सस्ता भोजन बनाने का जो टेक्निक है वही हम इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों सारे लोगों को जानकारी होगा भोजन बनाने के लिए सरसों की खली की आवश्यकता होती है, राइस ब्रान जिसको राइस पॉलिश भी कहा जाता है उसकी आवश्यकता होती है। अगर यह उपलब्ध नहीं होता है तो राइस पॉलिश के बदले आप मक्के का दर्रा का प्रयोग कर लेंगे, हो सके तो गुड़ का भी प्रयोग कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको चाहिए कि आप प्रत्येक दिन अपने मछलियों को भोजन कराएं। और इन सारी चीज़ों में एक मिनरल मिक्सर भी देने की आवश्यकता हो जाती है। वह मिनरल मिक्सर आपको देना चाहिए मछलियों को, जिसका प्रयोग हम करते हैं जब भी हम भोजन देते हैं मछलियों का, सरसों की खली, राइस ब्रान या मक्के की दर्रा के साथ। इस मिनरल मिक्सर को जिसका डब्बा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह बहुत ही उपयोगी है। माजी नाम है इसका। आप अगर एक एकड़ में मछली पालन कर रखे हैं तो किस तरह से दाना बनाना है, 20 केजी आप सरसों की खली ले लेंगे, राइस ब्रान जिसको राइस पॉलिश भी कहते हैं 20 केजी वो भी ले लेंगे, और 2 केजी आप उसमें गुड़ मिला देंगे, और 10 से 20 ग्राम जो स्क्रीन पर डब्बा दिखाई दे रहा है इसको जो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वहां से आप मंगा सकते हैं। तो इस डब्बे में से आप 10 से 20 ग्राम जो भी आप भोजन बनाते हैं, जिस तरह से भोजन बनाते हैं, आप अपने मछलियों के भोजन में इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद आप तालाब में मछलियों को भोजन देंगे, बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। हम भी अपने मछलियों को इसी मिनरल मिक्सर का प्रयोग करते हैं। तो इसका माजी नाम है, आप इसको देंगे 10 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम तक, पाउडर के रूप में है यह, और FSSAI से यह रिकमेंडेड है। बहुत सारे बेनिफिट्स है इसको देने से, बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। सारा विटामिन इसमें है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यह, इसको आप दे सकते हैं। आप ऑनलाइन इसको मंगवा सकते हैं या एक नंबर जिसके बारे में हम बताए हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर भी आप व्हाट्सएप करके बोलेंगे तो आपको सारा बता दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए मछलियों के ग्रोथ के लिए आप अच्छी तरह से भोजन कराएं और समय समय पर अपने तालाब में गाय का गोबर का छिड़काव करते रहें, सारा चीज अच्छा से करते रहें ध्यान दे करके। और एक बार फिर हम कहना चाहेंगे किस तरह से आपको भोजन बनाना है। एक एकड़ के लिए 20 केजी आप सरसों की खली लेंगे, राइस पॉलिश 20 केजी लेंगे, या राइस पॉलिश नहीं मिलता है तो मक्के का दर्रा लेंगे, 2 केजी आप गुड़ मिला देंगे उसमें, और 10 से 20 ग्राम माजी जो प्रोडक्ट है इसको आप मंगवा लेंगे और इसको मिला करके देखेंगे पिछले साल जो आपका ग्रोथ हुआ था बिना इस दवा के, और इस साल आप इस दवा के साथ अगर आप मछलियों को भोजन कराते हैं तो आप ग्रोथ देखेंगे। दाम बहुत ज्यादा भी नहीं है, 1 केजी का पैक आता है और मात्र आपको 10-15 ग्राम या 20 ग्राम इतना ही देना है। बहुत दिन तक चलेगा, प्रत्येक दिन आपको देना है। इसका प्रयोग करें और ग्रोथ देखें, बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। जो भी होगा इस दवा के विषय में आप कमेंट करके हमको बोलेंगे या जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पे आप व्हाट्सएप करेंगे और डिटेल आपको जानकारी दे दिया जाएगा। और किसी तरह का एक बार फिर हम बोलते हैं, बहुत सारे कमेंट सब आ रहा था ब्लैक कार्प मछली के लिए, टेंगरा मछली के बीज के लिए, हम भेजने का प्रयास करेंगे। जिस मछली का भी बीज चाहिए इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके आप संपर्क करें, व्यवस्था किया जाएगा। चूंकि नया सीजन अब आने ही वाला है, सारे लोग स्टॉक कर रहे हैं बीजों को।